हाय गाइस नमस्कार। सीटेट की जो परीक्षा है वो हो चुकी है स्थगित, जो कि 5 जुलाई को होनी थी। तो लगभग एक हफ्ता हो चुका है परीक्षा को स्थगित हुए। सभी शिक्षार्थियों ने काफ़ी रिलैक्स भी किया होगा, कुछ ने पढ़ाई को छोड़ दी होगी, कुछ कर रहे होंगे। तो पढ़ाई किसी को नहीं छोड़नी है, सभी को अपनी तैयारी बरकरार रखनी है। जैसी परिस्थिति अनुकूल होगी वैसी परीक्षा करा ली जाएगी। हो सकता है अगस्त में या आपके सितंबर में आपकी परीक्षा हो जाए। तो चलिए तैयारी को स्टार्ट रखते हुए हम आज की वीडियो पे आपका आज का जो कॉन्सेप्ट है उसके ऊपर बात कर लेते हैं। पहली बार विद्यालय जाने का जो अनुभव होता है वो किसी के लिए डरावना होता है, किसी के लिए होता है आकर्षित। मेरा भी कुछ ऐसे ही था, लेकिन जब मैं पहली बार विद्यालय गया तो मेरे लिए थोड़ा सा डरावना था, क्योंकि मैं पहली बार गवर्नमेंट स्कूल में गया और क्लास फर्स्ट में मेरा एडमिशन हुआ। लेकिन वहाँ पे जो मेरा मित्र था वो नहीं था, क्योंकि जो उसका एडमिशन हुआ था, उसका एडमिशन मेरे से एक साल पहले हो चुका था। उसका एडमिशन हुआ था केजी में, तो वो वहाँ नहीं था। पहले क्या था, गवर्नमेंट स्कूलों में केजी की क्लासेस नहीं होती थी। तो लगभग 20 साल लगे इस गुत्थी को सुलझते हुए। तो चलिए वीडियो पे एक बार बात कर लेते हैं। तो केजी क्या है? केजी है आपका किंडर गार्डन पद्धति, या कहें प्रणाली। केजी किंडर गार्डन पद्धति, या कहें इसे हम प्रणाली। तो जो केजी है किंडर गार्डन के जो जन्मदाता कहें वो हम कह सकते हैं फ्रोबेल हो। फ्रोबेल कहाँ के रहने वाले थे? फ्रोबेल एक जर्मन के शिक्षा शास्त्री थे, जर्मन के शिक्षा शास्त्री थे। और इनका जो जन्म हुआ वो हुआ दोस्तों 1782 में, और इनकी जो मृत्यु हुई वो हुई 1852 में। और जिनके ये शिष्य थे वो थे पेस्टोलॉजी। पेस्टोलॉजी के बारे में हम पिछली वीडियो में भी बात कर चुके हैं। पेस्टोलॉजी का एक विचार है, एक कथन है जो काफ़ी लोकप्रिय जिसे हासिल हुई, कि पहले मनोविज्ञान ने आत्मा को त्यागा, फिर चेतना को, फिर मन को, और अब जो है व्यवहार का रूप धारण करे हुए है जो मनोविज्ञान विषय है। तो ये कथन उनका काफ़ी लोकप्रिय हुआ एस्ट्रोलॉजी का। तो जो फ्रोबेल थे 9 महीने की आयु में इनकी जो माता जी थी वो हो चुकी थी एक्सपायर। उसके बाद इनके एक अंकल थे, उन्होंने इसकी परवरिश की, और जब तक इनकी आयु 20 साल हुई तब तक इनके पिता भी एक्सपायर हो चुके थे। उसके बाद ये पेस्टोलॉजी के शिष्य बने, और पेस्टोलॉजी की जो विचार थे इन पर काफ़ी ज़्यादा उनका प्रभाव पड़ा पेस्टोलॉजी का। तो किडन गार्डन जो पद्धति है उसके जन्मदाता फ्रोबेल को कहा जाता है। तो एक बार जान लेते हैं क्यों कहा जाता है। किंडर गार्डन 1935 में वर्ल्ड ऑफ अनाथालय पर, अनाथ बच्चों पर फ्रोबेल ने क्या किया, अपना एक प्रयोग किया जिसमें उन्होंने अनाथ बच्चों को प्री प्राइमरी स्कूल जिसे कहते हैं उसमें एकत्रित किया, और सभी को खिलौनों से, या कहें मूर्ति बनाकर, या कोई भी उनके जो लोकप्रिय खिलौने हैं, कोई भी हस्तरिक गतिविधियां, उनके द्वारा उन्हें शिक्षित करने की प्रयास किया, जो काफ़ी सफल रहा। और 1935 के बाद करीब 16 किडन गार्डन स्कूल और खोले गए। तो एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है कि किडन गार्डन जो पहला विद्यालय था वो कब खोला गया, तो वो खोला गया 1935 में, वर्ल्ड ऑफ अनाथालय इसका नाम था। और इसके बाद 16 विश्वविद्यालय और 16 स्कूल और खोले गए किडन गार्डन पद्धति से संबंधित थे जो कि, लेकिन उनमें से कुछ को सफलता मिली, कुछ को नहीं मिली उन 16 में से। तो किडन गार्डन का अर्थ क्या होता है? किडन गार्डन का जो अर्थ होता है बच्चों का बगीचा। किंडर यानी कि बच्चे, और गार्डन यानी बगीचा, यानी बच्चों का बगीचा। बाल वाड़ी भी इसे कहते हैं, बच्चों का बगीचा किडन गार्डन जो इसका अर्थ है। अब जो किडन गार्डन जो पद्धति है ये होती है 4 से लेकर 8 साल के बच्चों के लिए, 4 से लेकर 8 साल के बच्चों के लिए ये किडन गार्डन जो पद्धति है वो होती है। लेकिन अब क्या कर दिया गया है, 3 से स्टार्ट कर दिया गया है इसे। 3 साल के बच्चे होते ही जो पेरेंट्स हैं वो प्री प्राइमरी स्कूल या नर्सरी
या LKG या UKG में या किरण गार्डन पद्धति है जो आपकी, उसमें उन्हें एडमिशन दिला देते हैं 3 साल की उम्र से लेकर 8 साल के बच्चों के लिए होती है किरण गार्डन पद्धति। किरण गार्डन यानी KG और एक होता है इसके साथ साथ UKG अपर किरण गार्डन उसकी फुल फॉर्म होती है, और एक होता है LKG यानी लवर किरण गार्डन। और ये जो पद्धति है कई बार परीक्षा में क्वेश्चन भी आया हुआ है कि जो ये पद्धति है किरण गार्डन की या प्रणाली है वो छात्र केंद्रित है या शिक्षक केंद्रित है, तो ये जो विधि है ये है छात्र आधारित विधि, क्योंकि उसमें जो बच्चा है वो है प्रमुख। सेकंड है थर्ड खेल उपहार द्वारा शिक्षा, जो किरण गार्डन पद्धति है उसके अंदर क्या दिया जाता है, बच्चों को खेल और उपहार के द्वारा शिक्षा दी जाती हो, उसमें उन पर वर्डन नहीं दिया जाता कि आप इसे सीखो, वहाँ पे करके सीखने पे जोर दिया जाता है। बच्चों को खिलौने दिए जाते हैं लकड़ी के या प्लास्टिक के या मूर्तियाँ बनाने के लिए, उनकी कुछ भी अपनी क्रिएटिव होती है, तो ये है खेल उपहार द्वारा शिक्षा। और जो फ्रोबेल साहब थे, फ्रोबेल साहब ने बालक को पौधा यानी बच्चे को उन्होंने क्या माना, पौधा, स्कूल को माना उन्होंने बाग, तथा शिक्षक को माली बताते हुए कहा कि विद्यालय एक बच्चों का बाग है, यानी जो फ्रोबेल साहब थे उन्होंने बच्चे को कहा एक पौधा और स्कूल को एक बाग तथा शिक्षक को माली बताया उन्होंने, और विद्यालय को बच्चों का एक बाग बताया, जो पौधा है उसको कौन सींचेगा, उसमें पानी डालेगा, उसे बच्चों को सिखाएगा, यानी वो काम कौन करेगा, आपका शिक्षक यानी टीचर करेगा। और उन्होंने दूसरी एक विचारधारा, एक स्टेटमेंट दिया कि बच्चा एक बीज के समान है जिसमें एक पौधा बनने की पूरी निपुणता है कहीं। तो अब हमने फ्रोबेल के बारे में समझा कि फ्रोबेल किसके शिष्य थे, पैथोलॉजी के, और 1935 में इन्होंने अपना वर्क ऑफ अनाथालय पे अपना इन्होंने प्रयोग किया। किरण गार्डन का अर्थ होता है बच्चों का बगीचा या कहें बाल बाड़ी, और किरण गार्डन पद्धति है जो 4 से 8 साल के बच्चों के लिए होती है, लेकिन इसमें 3 से 8 साल के बच्चे भी बैठा दिए जाते हैं। ये जो शिक्षण विधि है ये है छात्र केंद्रित विधि है, और खेल और उपहार द्वारा इसमें शिक्षा दी जाती है। और LKG UKG और KG के बारे में भी हमने बात की, अब हम बात करते हैं। तो आई होप ये पूरे जो फ्रोबेल ने दिया ये आपको पूरा समझ में आया होगा, ये किसके शिष्य थे, पैस्टोलॉजी के, ये भी पूछ लिया जाता है परीक्षाओं में, कोई भी KBS या NBS की या CTET की परीक्षा हो उसके लिए भी फ्रोबेल का जो बच्चों का बगीचा, ये इस पे लेकर कई बार क्वेश्चन आए हुए हैं कि किसने कहा, बालवाड़ी के ऊपर भी आए हुए हैं, किरण गार्डन पद्धति किसने दी, फ्रोबेल ने दी, इस पर भी कई बार क्वेश्चन आए हुए हैं। तो एक बार सभी चीज़ें नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग, तो अच्छा रहेगा कि आप इसे भूलेंगे नहीं। अब बात करें, हम जितने भी साइकोलॉजिस्ट पढ़ते हैं दोस्तों, वो सारे वेस्टर्न होते हैं, वेस्टर्न साइकोलॉजी के होते हैं या फिर यूरोपियन होते हैं, भारतीय साइकोलॉजिस्ट बहुत ही कम देखने को मिलते हैं किसी भी परीक्षा में हो, क्योंकि जो भारत है हमारा एक विशाल जनसंख्या का देश है, और उसमें अगर हम साइकेट्रिस्ट की बात करें तो करीब 4 लाख पर एक साइकेट्रिस्ट है भारत में, और करीब 1000 साइकोलॉजिस्ट हैं अपने पूरे भारत में, और 3000 करीब शोध कर रहे हैं। और अगर हम इंडियन साइकोलॉजी के जनक कहें तो MOP Iyer जो कि इंडियन साइकोलॉजिस्ट के जनक कहे जा सकते हैं, ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा इसे। और अगर हम कहें हम पहले जो मनोवैज्ञानिक हैं भारत के, तो वो कहें हम नरेंद्र सेन नाथ गुप्ता जो कि पहले साइकोलॉजिस्ट हैं। तो इतनी बड़ी संख्या में एक साइकोलॉजिस्ट या कहें पूरे 4 लाख पे, तो काफ़ी विचित्र सी बात लगती है। तो इसलिए हमें ज़्यादातर जो हमारी साइकोलॉजी है यूरोपियन कहें या वेस्टर्न कंट्रीज के जो मनोवैज्ञानिक हैं हमें उन्हें पढ़ना पड़ता है। तो धन्यवाद दोस्तों, आज की आपकी वीडियो अच्छी लगी तो अपने मित्रों में और शेयर कीजिएगा, और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपनी तैयारी को बरकरार रखें, जैसी परिस्थिति अनुकूल होगी CTET की परीक्षा करा दी जाएगी,
और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल से लगातार जुड़े रहें, और कोई भी आपको डाउट हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो में कोई आपको मिस्टेक लगी हो या प्लेलिस्ट में इसी तरह की सारे साइकोलॉजिस्ट की वीडियो मैंने बनाई हुई है, तो आप वहां जाकर उन्हें भी देख सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।